अरे भाई डेंगू का क्या करे, क्यों हालात खराब करे शहर के। आप 4 की 10 कर दो, 10 मिनट, और मुझे पूछे पूरी डिटेल भेजो कि फोकिंग कहाँ कहाँ आज करी है उन्होंने। आपने डेंगू पे क्या क्या कार्य किए हैं मुझे थोड़ा बताएंगे। CMO कह रहे हैं नाम के, आप उससे कोई दवाई ले रहे तो मलेरिया की। कितनी चल रही गाड़ियाँ आप, कितने चल रहे आपके नाम के? अरे 10 लेके आप पूरा एरिया बांट दो और उस एरिए से लिखवा के लाओ कि इस एरिए में आज उन्होंने फोकिंग की है। कुरुक्षेत्र में डेंगू के बढ़ते कहर को लेकर जहां आमजन परेशान है, वहीं पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा कुरुक्षेत्र वासियों को डेंगू के इस बढ़ते कहर से बचाने की मुहिम में जुटे नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 स्थित अपने आवासीय कार्यालय पर प्रतिदिन अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे लोगों की समस्याओं का समाधान करवाने के साथ साथ वे कुरुक्षेत्र वासियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर अधिकारियों से भी फीडबैक ले रहे हैं। आज डेंगू के बढ़ते कहर को लेकर उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत की, वहीं उन्हें व्यापक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने सबसे पहले कुरुक्षेत्र जिला के DMC पंकज सेतिया से फोन पर बात की, फिर उन्होंने कुरुक्षेत्र के CMO से बात की और फिर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी यानी EO से फोन पर बात की। इन तीनों अधिकारियों से उन्होंने शहर को डेंगू से बचाव को लेकर किए जा रहे कार्यों की फीडबैक भी ली और फिर उन्हें इस दिशा में और बेहतर काम करने हेतु दिशा निर्देश भी दिए। फिर उन्होंने मीडिया से डेंगू से बचाव को लेकर किए जा रहे प्रयासों की भी विस्तार से जानकारी दी। आप खुद ही सुनिए कि सुभाष सुधा ने किस प्रकार इन अधिकारियों से बातचीत की और फिर मीडिया के प्रश्नों के भी उत्तर दिए। पंकज जी, ये फोकिंग की कितनी मशीनें चल रही हैं आपकी डेंगू को लेकर? आप 4 की 10 कर दो, 10 मिनट, और मुझे पूछे पूरी डिटेल भेजो कि फोकिंग कहाँ कहाँ आज करी है उन्होंने। लोगों के वहाँ से रसीद लेके आए, कि फोकिंग कहाँ कहाँ हुई है। कल को ये ना कहे कि मेरी फोकिंग नहीं हुई है, थोड़ा बढ़ा दो, डेंगू को ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी, हाँ ठीक है, नमस्कार। अरे भाई डेंगू का क्या कर रहा है, क्यों हालात खराब कर रहा है शहर के? आपने डेंगू पे क्या क्या कार्य किए हैं मुझे थोड़ा बताएंगे। सोशो घर में डेली विजिट कर रही है एक तो, और लार्वा तो नहीं है। अच्छा, लार्वा मिल जाए, नोटिस कितने नोटिस इशू करे लार्वा मिल जाए तो? कितने नोटिस इशू करे अब तक? 790। अच्छा, तो ये एक बार 790 अपना क्या लार्वा मिल जाए तो नोटिस इशू करते हैं। और अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं? कूलर छत वगैरह। अच्छा, आंगनबाड़ी वर्कर। अच्छा, एक काम करिए, जो जो एक्टिविटी आपने करी है एक बारी इसके नम क्या मुझे नम क्या एक बारी डे लिख के भेजा रहा डेली बेस्ट। डेली क्या कर रहे हैं डेंगू के लिए, शहर में डेंगू ना फैले इसके लिए क्या कर रहे हैं, काली नम क्या पूरा प्रेस को बताए। मैं बोलता हूँ, EO को बोलता हूँ, आपसे संपर्क करता है। कॉरपोरेशन से मैंने 10 मशीनें कही थी, अब उनको मैंने बोला 10 शुरू कर दो, 4, 3, 2। आपसे लेने नहीं आते? अरे एक बार EO बुलाना, मैं पूछता हूँ, दवाई ले आते, मैं बात करता हूँ। चलो आप दोनों, आप तीनों महकमे, म्यूनसिपल काउंसिल भी और आप भी बैठ के एक मीटिंग लो और मैं बोलता हूँ उनका इसकी करके चलाओ ड्राइव चलाओ। ठीक है, अपने मलेरिया वाले से मैं बात करता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा कंट्रोल करवाओ, पूरा शहर में बहुत ज़्यादा डेंगू का हो रहा है। हाँ करवाओ, मैं करवाऊँ। ये CMO कह रहे हैं नाम के, आप उससे कोई दवाई ले रहे तो मलेरिया की। कितनी चल रही गाड़ियाँ आप, कितने चल रहे हैं आपके नाम क्या, कितनी मशीनें? 3। अरे मैंने उसको बोला अभी नमक 10 लो, उसको बोला मैंने DMC को। अरे 10 लेके आप पूरा एरिया बांट दो और उस एरिए से लिखवा के लाओ कि इस एरिए में आज उन्होंने फोकिंग की है। हाँ, इस तरह कार्ड होना चाहिए आपके फोकिंग का, कौन कौन से एरिए में गए, क्या क्या गए।
इस शहर में तो करा देंगे, लेकिन आप रिकॉर्ड दोगे ये मशीन आज इस एरिया में गई, इस एरिया में वहाँ से लिखवा गया है कि मेरी यहाँ फोकिंग हुई नहीं हुई, हाँ रिकॉर्ड ले ले और इसको मशीनों में दस कर दे, इसको डीएमसी से बात कर ले है। देखिए मैंने सीएमओ से बात करी है कि एक ड्राइव चलाई जाए ताकि लोगों को अवेयरनेस आए कि इस प्रकार से खड़ा पानी ना हो। इसके लिए जैसे घर के अंदर कहीं पर पुराना सामान पड़ा है, पानी खड़ा है, कूलरों में खड़ा है, कुछ सफाई की जाए, और इसके लिए लगभग इन्होंने 790 नोटिस भी दिए हैं। इनके यहाँ कुछ ऐसा लार्वा पाया गया है, लार्वा को लेकर नब्बे है। तो मैं चाहूँगा, जनता से अपील करूँगा कि हमारे जो अधिकारी आ रहे हैं अपना सीएम ऑफिस से, जो 100 डेली घरों से बात कर रहे हैं, तो कैंडली उनका पूरा साथ दें और उनके साथ जो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, अपने घरों को जो है पानी और साफ सुथरा रखें। उसके साथ साथ मैंने ईओ मुख्यमंत्री से ही बात करी थी, उनसे मैंने कहा है कि आप भी जो आपके पास कुकिंग मशीनें 3-10 कीजिए। मैंने डीएमसी से बात करी है, 10 मशीनों के तहत एरिया की कुकिंग करें और कुकिंग करके उनकी रसीद लें, उनसे लोगों से करें कि आपके एरिया में कुकिंग हुई है, उसी सीट लेके आएँ ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे। ऐसे ही हम इसको ड्राइव चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप जल्दी इस पर डेंगू पे कंट्रोल करें। आप चेक भी करिए, सडन चेक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं अभी इनसे बात करूँगा, 100 कहीं नमका वहाँ पे नमका जहाँ मकानों को उन्होंने किया है, तो उसका आंगनबाड़ी भी लगाया, वर्कर लगाया हुआ है, उन्होंने बॉक्स लगाया हुआ है, तो उसमें हम देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, टेलीफोन नंबर लेंगे ताकि उस एरिया में अवेयरनेस हो रही है। जनता से भी अपील करूँगा कि अपने यहाँ पर सफाई साफ सुथरा रखें ताकि पानी के अंदर डेंगू। सुधा जी, लोगों ने एक शिकायत आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग को जहाँ डेंगू के केस मिलते हैं वो नगर परिषद को बताती है, नगर परिषद फिर वहाँ स्प्रे करवाती है, पहले की तरह स्प्रे नहीं होता शहर में, अगर स्प्रे किया जाए तो डेंगू पे रोकथाम हो सकती है। आपकी बात सही है, तो उसके लिए वही मैंने कहा ना, उनके पास पहले मशीनें दो थी, दो की मैंने फिर दो और दिलाई चार, अब मैंने बोला 10 मशीनें लेकर और जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पर कुकिंग कराएँ, कुकिंग कराकर उसको अपने रिकॉर्ड में रख रहे ताकि जनता को पता भी लगे कुकिंग हो। पर आपकी बात सही है कि जब कोई डेंगू का मरीज मिलता है तो वहाँ पर वो उसके पास सीएमओ उसको कहता है तो वहाँ पे होती है, बात सही है आप कह रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी अवेयरनेस होनी चाहिए, पहले ऑलरेडी होना चाहिए। तो उसके लिए अभी ईओ से मैंने बात करी है और ईओ से मैंने ड्यूटी लगाई और मैं इसी डेली से बात करूँगा कहाँ कहाँ पर कुकिंग हुई है। थैंक यू। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप? एनी डाउट? किदा खेडी अच्छा बेको, सुके सुके दाग बेको। नो डाउट, इन्ना सुके दाग ले हैं सर्फ एक्सेल मैटिक हुन नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी देनार, ए जिद्दी सुके दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विची। एनी डाउट, नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।